दोस्तों प्रणाम। प्रणामी एग्रोवेट की YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज का विषय है थनेला रोग। थनेला रोग आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, जिसका इलाज आयुर्वेद के पास है, प्रणामी एग्रोवेट के पास है। चलिए आज इसके विषय में डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। थनेला रोग आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है, एक झुंड होता है वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, जो दूध की थैली जहाँ से दूध निकलता है हमारा, उस नली के अंदर जाकर दूध के थनों के अंदर अपना बैक्टीरिया फैल के, फंगस फैल के वहाँ इकट्ठा होके वहाँ सूजन पैदा कर देता है, झुंड बना देता है। वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस पूरे एरिया को इन्फेक्ट कर देता है, पूरे के पूरे एरिया को इन्फेक्ट कर देता है वो। ये उन पशुओं में ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। ये उन पशुओं को ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने में कमज़ोर होती है, जिनमें जिंक की मात्रा कम होती है, जिनमें तेजाब ज़्यादा, इम्यूनिटी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने में कमज़ोर होती है, जिनमें जिंक की मात्रा कम होती है, जिनमें तेजाब ज़्यादा बनता है, इन पशुओं को, जिनका वात पित्त और कफ बिगड़ा ज़्यादा हुआ है, उन पशुओं में ये बीमारी ज़्यादा पकड़ती है। इनके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण क्या हैं? वो जो इसके लक्षण होंगे, जो इनके थन होंगे, वो सूज जाएंगे। उसकी पूरी जो लवेटी है, उसका जो पूरे दूध की जो पूरी थैली है, उसमें पूरे में सूजन आ जाएगी। जब आप उस पर हाथ लगाओगे तो पशु को दर्द महसूस होगा। जब आप उसमें से दूध निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें से ब्लड क्लॉट्स या दूध के छीछड़ निकल सकते हैं और खून के भी छीछड़ निकल सकते हैं। दूध के भी छीछड़ निकल सकते हैं और भूरे रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। पशु को दस्त लगने की भी समस्या आ सकती है, पशु का लगातार वजन भी गिर सकता है। ये समस्या सिम्टम्स लगातार सामने आए हैं थनेला रोग में। पशु को तेजी से बुखार भी आ सकता है, ये एक दो दिन से नहीं होता, लगातार पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो थनेला रोग के अलावा उसको कई और रोग ग्रस्त करेंगे। उसका शुरू में ब्याध के बाद भी दूध ज़्यादा नहीं बढ़ रहा होगा। ज़्यादातर पशुओं में यह देखा गया है कि थनेला रोग के अलावा भी उसको कई और रोग ग्रस्त करते हैं पूरे साल में। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि भाई उस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पूरे साल काम किया जाए। थनेला रोग अगर हो गया है उस टाइम तो उस रोग का उपचार जरूरी है ही, पर थनेला रोग ठीक होने के बाद उस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम थनेला रोग के उपचार के ऊपर आएंगे। थनेला रोग अगर किसी पशु को हो गया है तो उस पशु को आप अलग बांधिए, क्योंकि ये एक फंगस इन्फेक्शन है, ये एक वायरस इन्फेक्शन है जो एक पशु से दूसरे पशु में आराम से फैल सकता है। तो आप उस पशु को बिल्कुल अलग बांधिए और उसके थनों की हर रोज सफाई करिए, साफ कपड़े के साथ सफाई करिए। उसको 2 आंवला और 50 ग्राम हल्दी मिला के उसको सुबह शाम खिलाइए। 2 आंवला और 50 ग्राम हल्दी मिला के उसको सुबह शाम खिलाइए। विटामिन सी की कमी, उसके अंदर आंवला के अंदर जिंक की प्रॉपर्टी भी होती है और विटामिन सी की भी प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी थनेला रोग की जल्दी से जल्दी भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और हल्दी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वापस लाने का काम करेगी। और सुबह शाम अरंडी का तेल गरम करके, अरंडी का तेल आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा, अरंडी का तेल गरम करके उसके थनों की, उसके पूरी दूध की थैली की सिकाई करें, जिससे उसकी गांठ आसानी से पिघल जाएगी और उसको आराम महसूस होगा।
ये तो हो गया उसके थनेला रोग का आयुर्वेदिक उपचार। इसके बाद हमें पूरे साल उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करना पड़ेगा जिससे उसको ये बीमारी हो ही ना। ये जो खर्चा है थनेला रोग पे होने वाला जो खर्चा, जो दवाइयों का खर्चा है, वो किसान की जेब पे बहुत भारी पड़ता है। उससे बचने के लिए उसको अपनी जो राशन डाइट है, जो पशु की जो डाइट है, उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इसके लिए उसको 40% खले डालनी पड़ेंगी और 60% रखना पड़ेगा एक ऐसा पशु आहार जो एक तरीके से बैलेंस हो, पूरी तरीके से बैलेंस हो, जिसमें आयुर्वेद का सहारा लिया गया हो, उसमें सारी तरीके के मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, हल्दी हो, आंवला हो, अश्वगंधा हो, मेथी हो, जो उसकी सारी तो कमियां पूरी कर दे, जो आने वाली उसकी बीमारियों को रोक दे, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे, उसका तेजाब बनने से रोक दे, जो खाना वो खाए वो पच जाए, और क्या चाहे। तो हमारी कंपनी प्रणामी एग्रोवेट लेकर आई है, प्रणामी मिल्क प्लस पशु आहार, जो आप अपने पशु को दें 40% खल डालें और 60% ये पशु आहार सुबह शाम दे अपने पशुओं को, आपका पशु दूध से भी बढ़ेगा, समय पे ब्याथ पे आएगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और वो समय से दूध पे भी बढ़ेगा। तो देर ना करें, ये हमारा केंद्र ग्राहक केंद्र सेवा नंबर है, इस पे अभी कॉल करें और अपने पास के डीलर का नंबर पता करें और अभी इस बैग का ऑर्डर करें। धन्यवाद। और कमेंट करके इस सेक्शन पे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं जिस टॉपिक पर भी आप मुझे सुनना चाहें, वो टॉपिक लिख सकते हैं, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ। प्रणाम।